मायसेल्फ वसूली, पहचाना? नहीं, कौन हो भाई? टेक्सास बैंक से आया हूँ भाई। 3 महीनों से होम लोन की ईएमआई क्यों नहीं भर रहा है? बैंक ने तुझे एनपीए घोषित कर दिया है, पता भी है तुझे? शिट, ये तेरा 60 दिन का नोटिस पीरियड है अंडर सरफसाई एक्ट। मतलब ये कि अगर तू इस नोटिस पीरियड के बाद भी डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास ये पावर है कि वो अपने पैसे को रिकवर कर सकती है तेरे घर को सीज एंड सेल करके। वसूली भाई प्लीज ऐसा मत करो, मेरी कोविड की वजह से नौकरी चली गई है। बेटे अब तो ऐसे ही होगा और इसके लिए बैंक को कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं है। Hey, तो what to do in this situation? आप अपने होम लोन को रीस्ट्रक्चर करवा सकते हो by increasing the loan tenure and by decreasing the monthly EMI. But कभी अगर situation घर बेचने की ही आ जाए तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने घर को खुद ही बेच के अपने लोन अमाउंट को सेटल करें, बिकॉज बैंक कभी भी सही रेट पे आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने की नहीं सोचेगा एंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो अपने पैसे को रिकवर करना ही होता है। दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्रीकल्चर लैंड।